सब्सक्राइब करें एबीपी गंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा और मैं हूं आपके साथ दीपिका यादव। महीना सावन का है, वक्त रिमझिम बारिश का है, लेकिन देश के अनेकों इलाके ऐसे हैं जहां पर सिर्फ बारिश ही बारिश है, पानी ही पानी है। फुहारों की बजाय मूसलाधार अतिवृष्टि ने आम जिंदगी की गाड़ी को बेपटरी कर दिया है। उत्तर भारत, मध्य भारत या फिर पश्चिमी भारत, सभी ओर भीषण बारिश का मंजर दिखाई दे रहा है। सड़कें, तालाब और दरिया बनी हुई हैं, स्कूल टापू बने हुए हैं और उनके सामने बने कंपाउंड, स्विमिंग पूल, रेल ट्रैक पर भी पानी भरा हुआ है और दोपहिया से लगाए चौपहिया तक वाहन पानी में तैरते नजर आ रहे। लोग अगर मजबूर ना हो तो घर से बाहर कदम रखने की सोच भी नहीं सकते। देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी जो भी तस्वीरें हमें मिली हैं, हमने अपनी इस खास प्रोग्राम में आपके सामने रखने की तैयारी की। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारी इस खास पेशकश की। तो ये सच है कि बारिश ने देश में उन अनेकों शहर और गांव में जिंदगी को डिरेल किया है, लोगों को परेशान किया है, व्यवस्थाओं को चौपट किया है। लेकिन एमपी के बुरहानपुर से जो खबर आई है वो घटा टोप अंधेरे में उजाले जैसी थी। बारिश से पैदा हालात से लोगों के झूलने की कहानी आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे, बहुत है लंबा दंगल चलेगा रे। तैयार है? तैयार है। बिहार की दशरथ मांझी तो याद होंगे आपको। सड़क ना होने और सरकारी उदासीनता की वजह से पहाड़ काट कर सड़क बना दी थी। हम पागल है, जिंदगी खराब कर रहा है, ये भीतर का काम है, जब तक ये टूटेगा नहीं। अब आपको तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं अजब गजब मध्य प्रदेश के बुरहानपुर की। आप सोच रहे होंगे दशरथ मांझी का जिक्र क्यों किया गया। दरअसल ये तस्वीर मलबे के विशाल ढेर में से रास्ता खोजने की है। जिस तरह मांझी समस्याओं के बोझ तले दबने के बाद गेंती फावड़ा लिए खुद ही पहाड़ का सीना चीरने को निकल पड़े थे, उसी तरह यहाँ के लोगों ने भी कीचड़ का सीना चीर रास्ता निकाल ही लिया। एमपी अजब है और वाकई सबसे गजब भी है। अजब ये है कि लंबे वक्त से जिला मुख्यालय तक जाने वाले मार्ग पर कीचड़ का पहाड़ खड़ा हो गया था। और गजब ये है कि मार्ग खोलने वाले सभी अधिकारी शायद मॉनसून को एंजॉय करने में इतना व्यस्त हो गए कि रास्ता खोलना उनके लिए उनके मूड में खलल जैसा लगा, इसलिए इस तरफ झांका तक नहीं। बहरहाल लोगों को रास्ता चाहिए था, लिहाजा खुद ही रास्ता खोलने के लिए जुटे और मार्ग खोल भी दिया गया। मार्ग किसी तरह से खुला लेकिन कीचड़ इतना ज्यादा है कि चलना तक मुश्किल है। रेंग रेंग कर वाहन गुजर रहे हैं, जो वाहन चल नहीं पा रहे उनको धक्का देकर ले जाया जा रहा है। वैसे भी हमारे देश में चीजें काम ना करें तो धक्का देकर ही चलाई जाती है, चाहे व्यवस्था हो या वाहन। भारत में वैसे तो हर काम को सरकारों के ही भरोसे छोड़ दिया जाता है, सरकारें करें तो ठीक, नहीं तो जय भोलेनाथ की और कोसना शुरू। हालांकि इस मामले में स्थानीय लोगों ने सरकारों के काम करने का इंतजार नहीं किया, खुद ही मशीन बुलवाई और शुरू कर दिया काम, सफाई का, इस कीचड़ के ढेर को हटाने का। कीचड़ हट तो गया मगर फिर भी इतना कीचड़ है कि लोगों की मुसीबतें बढ़ाने के लिए काफी है। उनका कीमती वक्त इंतजार करने और कीचड़ को देखने में खत्म करने के लिए काफी है। इस मार्ग के खुलने के बाद अब जहां लोगों को कई किलोमीटर सफर तय नहीं करना पड़ेगा, जिला मुख्यालय से संपर्क भी बहाल हो गया है। जिला मुख्यालय में बैठे जिलाधिकारी और दूसरे अधिकारियों को ग्रामीणों से संपर्क करने में भले ही कोई दिलचस्पी ना हो मगर इन अधिकारियों को तो है, यही वजह है कि काम करना पड़ा, खुद जुटना पड़ा और मेहनत कर अपना पैसा खर्च कर इस सड़क को खुलवाना पड़ा। सड़क खुलने के बाद स्कूली बच्चे से लेकर देश का भविष्य नौजवान भी इसी मार्ग से गुजर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मुश्किलें कम हो गई हों। राहत की बात यह है कि कीचड़ से गुजरना पड़ रहा है मगर अपने गंतव्यों तक पहुंच तो पा रहे हैं, भले ही घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है, जाम से जूझना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
तो देखा आपने, भारत का कोई भी हिस्सा इस वक्त ऐसा नहीं है जिसने जबरदस्त बारिश का आलम ना देखा हो। एमपी के होशंगाबाद से बारिश से पैदा हुए हालात की तस्वीर इस रिपोर्ट में देखिए। होशंगाबाद में बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही। मूसलाधार बारिश ने होशंगाबाद के इस खूबसूरत स्कूल के बाहर बने मैदान को तैरने लायक तालाब बना दिया है। टैगोर मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल का ये मंजर देखकर आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश के इस दौर में यहाँ पर न तो कोई बच्चा पढ़ रहा होगा और न ही उन्हें कोई पढ़ाने के लिए पहुँच पा रहा होगा। ये भी होशंगाबाद ही है जहाँ सड़कों पर बहता पानी ऐसा बनकर खड़ा कर रहा है मानो बहती नदी के बीच में कुछ मकान खड़े हुए हैं और उन मकानों में मौजूद लोग सिर्फ ऊपर वाले के कर्म का इंतजार कर सकते हैं। वो लगातार हो रही बारिश को सिर्फ मौन एक टक देख भर सकते हैं। उनके पास और कोई चारा भी नहीं। कुछ घरों के सामने जहां थोड़ा पानी कम है, लोग अपने बहुरंगी छाते लेकर थोड़े हल्के फुल्के अंदाज में चहलकदमी करते हुए दिखते हैं। लेकिन कई ऐसे भी हैं जो पिछले कुछ घंटों से हो रही बारिश से पैदा हुए हालात के लिए शहर में पानी की निकासी न होने की बात को सबसे बड़ा कारण मान रहे हैं। पानी भरा है, वो 3 बजे रात से बच्चों भी बेहाल, हम भी बिल्कुल, और कोई मकान वकान का भी कोई व्यवस्था करा दी। यहाँ वे पुलिस के पास फोन लगाया था, सबको, सब लोग आए हैं व्यवस्था के लिए कर रहे हैं। लगातार बारिश में जहाँ तहाँ फंसी हुई जिंदगी के बीच में कुछ लोग संघर्ष करते हुए भी देखे जा सकते हैं। वो जूझ रहे हैं, बारिश उन्हें रोक नहीं पा रही और वो जिंदगी को न सिर्फ अपने लिए बल्कि औरों के लिए भी आसान करने में जुटे हुए हैं। उनकी कोशिश सलाम करने लायक है, उनकी कोशिश बहादुरी की मिसाल है, क्योंकि वो परेशानियों से बेपरवाह हैं। वो रुके हुए रास्ते खोल रहे हैं या फिर नए रास्ते तलाश रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी बंगाल।